अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर जिस मोबाइल फोन को मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये एक ऐसा हैंडसेट है जिसको देखकर मुझे इसके बड़े भाई की याद आती है। बेसिकली मेरा जो डेली ड्राइवर है वो हुआवे का P30 Pro है, तो ये जो P30 Lite है काफ़ी हद तक P30 Pro जैसा ही बनाया गया है, और यही वजह है कि इसकी जो ओवरऑल लुक्स वगैरह हैं वो P30 Pro से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन लुक्स के अलावा अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हुआवे ने काफ़ी चीज़ों को कम कर दिया है। तो देखते हैं कि हुआवे ने आखिर 48,000 की रेंज में आपको क्या प्रोवाइड किया है। और इससे पहले कि इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनल्स के अंदर हम जंप करें, हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के रिलेटेड। डिज़ाइन वाइज जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये P30 Pro से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशंस लेता है। इनफैक्ट अगर आप इसे बैक साइड से देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक वैसा ही फ़ोन लगता है। आपको बैक साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, आपका ट्रिपल कैमरा सेटअप अवेलेबल है, और ये काफ़ी खूबसूरत ग्रेडियंट किस्म की बैक अवेलेबल है जो कि P30 वाला ही लुक प्रोवाइड करती है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट और आपका हेडफोन जैक अवेलेबल है, और उसके साथ आपकी स्पीकर ग्रिल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप राइट साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर जो बटन्स हैं वो लगाए गए हैं। अब इस मोबाइल फ़ोन के बारे में जो डिज़ाइन का एक इशू मुझे फेस करने में आया है वो इसका पावर बटन का साइज़ है। इसका पावर बटन बहुत छोटा है, और मसला ये है कि इसकी जो वॉल्यूम की है और जो पावर बटन है उन दोनों के ऊपर सेम टेक्सचर है, तो आपको पता नहीं लगता। और अक्सर अवकात आप जेब में गलती से पावर बटन को ऑन करने के बजाय वॉल्यूम की प्रेस कर रहे होते हैं और मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा होता, तो वो जो मसला है मुझे इसके डिज़ाइन में नज़र आया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इसकी बिल्ड के रिलेटेड आप नोटिस करेंगे वो ये है कि अगर आप इसकी बैक साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ग्लास देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है और आपको ग्रेडियंट लुक भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल रही है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है क्योंकि नॉर्मली हमें ब्रांड्स की तरफ से या तो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक मिलता है या फिर मेटल और ग्लास का जो सैंडविच है वो डिज़ाइन मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो हुआवे है उसने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच ली है। मैं यहाँ पर यह चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि जिस प्राइस टैग में इसको लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के मार्केट में, तकरीबन सारे फोन्स जो इस प्राइस टैग में आ रहे हैं वो नॉर्मली प्लास्टिक को प्रेफर कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये किसी हद तक थोड़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है क्योंकि बाकी फोन्स जो हैं वो इस रेंज में प्लास्टिक दे रहे हैं। फ्रंट साइड पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है ये काफ़ी खूबसूरत किस्म का डिस्प्ले है, और यहाँ पर आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। अब इस डिस्प्ले के ऊपर कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है उसके बारे में हुआवे ने कोई ज़्यादा मेंशंस नहीं किए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कोई डिस्प्ले प्रोटेक्शन दी गई होगी। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसका मतलब ये है कि या तो आप दो सिम्स डाल सकते हैं या फिर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इस मोबाइल फ़ोन के अंदर चला सकते हैं। अब इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो ओवरऑल थीम है वो काफ़ी हद तक फ्लैगशिप वाली रखी गई है, और यही वजह है कि वो लोग जो कि बजट लेवल का फ़ोन लेना चाह रहे हैं या वो लोग जो कि कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी इंटरनल स्पेसिफिकेशन देखना चाह रहे हैं वो ये मोबाइल फ़ोन जो है स्किप कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप प्राइस के हिसाब से कंपेयर करेंगे, डिज़ाइन को साइड पर कर देंगे, नाम को साइड पर कर देंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि हुआवे ने इस दफ़ा उतनी अच्छी वैल्यू नहीं दी जितनी अच्छी नॉर्मली हुआवे प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप ये कंसिडर करते हैं कि ये हुआवे की फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन है तो उस हिसाब से ये जो फ़ोन है काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस बन जाती है। इंटरनली ये जो मोबाइल फ़ोन है हुआवे के किरन 710 चिपसेट के साथ आता है, जो कि इससे पहले हम काफ़ी फ़ोन्स के ऊपर देख चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं। ऑनर 8X के अंदर भी सेम चिपसेट था, और हुआवे की तरफ से जो Y9 आया था उसके अंदर भी यही चिपसेट था। तो काफ़ी हद तक जो इस चिपसेट की परफॉर्मेंस है वो हम टेस्ट कर चुके हैं। ये डे टू डे यूजेज के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं प्रोवाइड करता, और ज़्यादातर गेम्स को मीडियम सेटिंग के ऊपर चला देता है। अब रिव्यू में यहाँ से आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हुआवे के फ़ोन्स को जितने भी फ़ोन्स मैंने अब तक रिव्यू किए हैं उन सबको मैं किसी हद तक गलत रिव्यू कर रहा था, और उसके पीछे रीज़न ये थी कि मैं उन सब फ़ोन्स को नॉर्मल मोड के अंदर चला रहा था, जबकि परफॉर्मेंस मोड जो कि हुआवे ने यहाँ पर इंक्लूड किया है वो काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी का परफॉर्मेंस मोड ऑन करते हैं तो वहाँ पर नोटिफिकेशंस को बंद कर दिया जाता है, एप्लीकेशंस जो बैकग्राउंड में चल रही होती है उनको ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस का ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस मोड को ऑन करते हैं या किसी भी दूसरे हुआवे फ़ोन पर करते हैं तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इनफैक्ट मेरे चैनल के ऊपर अक्सर लोग कंप्लेन करते थे कि एंटूटू के स्कोर क्यों कम आ रहे हैं, तो भाई उसकी भी रीज़न यही थी कि मैं एंटूटू के स्कोर जो रिकॉर्ड करता हूँ नॉर्मल मोड में करता हूँ, और जो इंटरनेट के ऊपर आपको एंटूटू के स्कोर मिल रहे थे वो हुआवे का परफॉर्मेंस मोड ऑन करके मिल रहे थे, जिसकी वजह से जो एंटूटू का स्कोर था उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा था। अब ये डिफरेंस कितना था इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि परफॉर्मेंस मोड के बगैर इसका जो एंटूटू स्कोर है वो तकरीबन 1,17,000 के करीब है, और जब आप इस पे परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देते हैं
तो आपको 140,000 के करीब का स्कोर मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस वाला स्कोर है। और यही वजह है कि अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं और किसी फ़ोन को टेस्ट करना चाहते हैं हुआवे की तरफ से, तो उसका परफॉर्मेंस मोड ऑन कर लीजिएगा। और ये भी समझिएगा कि इससे पहले जो मैंने हुआवे या ऑनर के फ़ोन रिव्यू किए हैं, मैंने वहाँ पर मोड को ऑन नहीं किया था, तो जितने भी रिव्यूज़ हैं उनमें जो परफॉर्मेंस है उससे थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको परफॉर्मेंस मोड ऑन करके मिल सकती है। अब अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग के अंदर अगर परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर लेते हैं तो पबजी हाई सेटिंग के ऊपर बगैर किसी लैग के इस फ़ोन पर चल जाती है, और अगर आप उसको ऑफ करते हैं तो मीडियम सेटिंग के ऊपर वो बगैर किसी लैग के चलती है। लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मोड है, जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो थोड़ा सा हीटअप भी होता है। और इस मोबाइल फ़ोन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने रिकॉर्ड किया है पबजी के दो मैचेस के बाद, वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है अगर आप कंसिडर करते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन जो नॉर्मल यूजेज में होता है। लेकिन अगर आप ये कंसिडर करते हैं कि उस पर पबजी हाई सेटिंग पे चल रही थी, एक ऐसी गेम जिसके अंदर जब आप हाई सेटिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि इस गेम को हाई सेटिंग पे खेलने पर आपका मोबाइल फ़ोन हीट होगा, तो उस हिसाब से ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर चुका है। कैमराज की अगर आप बात करते हैं, तो फ्रंट साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये जो सेल्फी कैमरा है एक टिपिकल हुआवे फैशन के अंदर आपको AI मोड प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि आप फ्रंट कैमरा को यूज़ करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जो आपके इर्द गिर्द का सिनेरियो है उसको डिटेक्ट कर लेगा, इंडोर है आउटडोर है। अब यहाँ पर जो मैंने इसके थ्रू पिक्चर्स खींची हैं उनके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि 32 मेगापिक्सल का ये जो सेल्फी कैमरा है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, और हुआवे पहले ही जो अपनी इमेजेस है उनको थोड़ा सा ज़्यादा शार्प करती है, तो आपको यहाँ पर जो शार्पनेस है वो किसी भी दूसरे फ़ोन की नस्बत काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैंने नोटिस किया वो ये है कि यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है वो इतना ख़ास काम नहीं करता, और यहाँ पर अगर आप पोर्ट्रेट मोड के थ्रू कोई शॉट लेते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो इतना मज़ेदार नहीं आता, आपके कान वगैरह जो है वो अक्सर ब्लर हो जाते हैं। और इसके अलावा हुआवे की सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो पोर्ट्रेट मोड है वो थोड़ा फ्लिमजी है, क्योंकि आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं उसके बाद ब्लर को सिलेक्ट करते हैं और तब जाकर आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं, अगर आप ब्लर को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो अक्सर अवकात पोर्ट्रेट मोड में भी ब्लर नहीं हो रहा होता, जो कि थोड़ा सा अजीब है। लेकिन क्योंकि ये हुआवे का फ़ोन है तो इसका मतलब ये है कि आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी, और उसके अलावा फ्रंट कैमरा के अंदर आपको AR इमोजीज और इस तरह की जो ऑप्शंस हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा के जो कलर्स हैं, शायद मैं उनसे उतना एग्री ना करूं जितना मैं दूसरे फ़ोन से करता हूं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूं कि अगर आप लो लाइट के अंदर इस मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं वो दूसरे फ़ोन्स की नस्बत ज़रा बेटर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं, इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये हुआवे P30 Lite के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कैमरा है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है, लेकिन मैं इसको कंप्यूटर में डाल के चेक करूंगा। जो ऑडियो है वो भी इसी फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका फ्रंट कैमरा आपको कैसा लगा है। बैक कैमराज की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका मेन सेंसर 24 मेगापिक्सल्स का है, 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, और उसके अलावा एक तीसरा कैमरा लगाया गया है जो कि 5 मेगापिक्सल का है और आपको डेप्थ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब ये जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है, मैं नॉर्मली कंसिडर करता हूँ कि यार ये अच्छी तरह काम नहीं करेगा, और यही वजह है कि ऐसे सारे फ़ोन्स जहाँ पर एक डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर लगाया गया होता है, मैं यही कहता हूँ कि वो नॉर्मली अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करती हैं, और बैक कैमरा से ली गई जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफ़ी एक्यूरेट होता है, और ओवरऑल जो डिटेल है उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल रही होती है। आप इमेज को ज़्यादा जूम भी कर लें तब भी आपको जो इमेज के पिक्सल्स हैं वो फटते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि क्योंकि ये हुआवे की पी सीरीज का फ़ोन है, तो यहाँ पर जो आपको नाइट मोड है वो भी देखने को मिल जाता है, और इसका जो नाइट मोड है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। हुआवे का नाइट मोड वैसे ही मशहूर है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट मोड है वो वाइड एंगल कैमरा पर काम नहीं करता, जबकि P30 Pro के ऊपर जो वाइड एंगल लेंस है उसके ऊपर भी आपको नाइट मोड की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ से रिमूव की गई है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की अगर आप ओवरऑल वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है डे लाइट के अंदर। लो लाइट वीडियो परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं, तो बैक कैमरा से ली गई जो लो लाइट वीडियो है वहाँ पर डिटेल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो लो लाइट वीडियो है वहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ होते हैं। और कलर्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो तीसरा कैमरा दिया गया है वाइड एंगल वाला, वहाँ पर भी आपको जो इमेज है उसकी ओवरऑल डिटेल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन जब आप नॉर्मल कैमरा से वाइड एंगल पर शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको कलर का थोड़ा सा चेंज है नोटिस होता है काफ़ी हद तक। और अगर आप वीडियो मोड में ये हरकत करते हैं तो वो काफ़ी हद तक
एक डिफरेंट रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि आपका जो मेन सेंसर है वो 24 मेगापिक्सल्स का है और एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सेंसर है, जबकि 8 मेगापिक्सल का ये जो सेंसर है ये इमेजेस के लिए तो ठीक है लेकिन वीडियो के अंदर आपको कलर की क्वालिटी काफ़ी अजीब देता है। इस मोबाइल फ़ोन के बैक कैमरा के अंदर आपको स्लो मोशन की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, और आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि हुआवे का जो किरण 710 है वो काफ़ी अच्छी स्लो मोशन सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको 480 FPS तक की जो स्लो मोशन है वो देखने को मिल जाती है। अब ये किसी भी दूसरे फ़ोन की नस्बत इस प्राइस टैग में सबसे अच्छी क्वालिटी की स्लो मोशन है अगर आप टर्म्स ऑफ फ्रेम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं और ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है। रेजोल्यूशन उतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन अगर आप माचिस की तीली को भी जलाते हैं तो वो इसके थ्रू काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। ओवरऑल अगर आप कैमराज की बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि टिपिकल हुआवे फैशन के अंदर अगर आप पिक्चर्स की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी निकल कर आती हैं, अगर आप वीडियो की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। और यहाँ पर ये जो वाइड एंगल लेंस इंक्लूड किया गया है ये हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। इस मोबाइल फोन के बाकी फीचर्स के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर बैक साइड पर लगाया गया जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। इनफैक्ट अब तक जितने भी फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मैंने यूज़ किए हैं उनमें सबसे तेज़ में से ये एक है। आप फिंगर रखते हैं और फौरन स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है। जो बायोमेट्रिक्स के अंदर आपको फेस आईडी की सपोर्ट मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट मज़ेदार बात यह है कि किसी वियर्ड रीज़न की वजह से जो मेरा P30 Pro है उसकी जो रिकॉग्निशन है उसकी निस्बत मुझे यहाँ पर जो इसकी रिकॉग्निशन है वो बेहतर लगी है। आई डोंट नो, शायद मैंने जो फेस अपना ऐड किया है वहाँ पर कोई मसला हो गया हो, लेकिन यहाँ पर जो फेस आईडी है वो भी काफ़ी तेज़ी से काम करती है। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 3340 mAh की बैटरी लगाई गई है। अब ये जो बैटरी है इस प्राइस टैग के हिसाब से कम है और इसके अंदर कोई डिनायबिलिटी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इस प्राइस टैग में बाकी जो ब्रांड्स हैं वो आपको कम से कम 4000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगेन क्योंकि ये एक लाइट सीरीज़ का फ़ोन है और हुआवे के फ्लैगशिप फ़ोन में आता है तो यहाँ पर जो फ़ोन है उसको स्लिम रखने के लिए उनने जो बैटरी का साइज़ है वो कम कर दिया है। ये मोबाइल फ़ोन आपको बड़ी ही आसानी से एक दिन का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगा, और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो रात को जाकर अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाते हैं तो आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आने वाला। और चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हुआवे ने इस दफ़ा हुआवे की जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है। इसके बॉक्स के अंदर ही आपको 20 वॉट का एक पावर ब्रिक देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर देता है। अब अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन अगर आप 0 से 100 तक लेकर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को 0 के ऊपर चार्जिंग पर लगाते हैं तो इसकी जो फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है वो 30 मिनट के अंदर इस मोबाइल फ़ोन को 40% तक चार्ज कर देती है, जो कि मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छा सॉलिड नंबर है और आप इस मोबाइल फ़ोन को उसके बाद बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट, ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हेडफोन जैक की क्वालिटी है वो भी मुझे ठीक लगी है। जो स्पीकर्स हैं उनकी लाउडनेस अच्छी है, क्लैरिटी ठीक है, लेकिन किसी किसी पॉइंट पर जो बेस है उसकी कमी फील होती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीज़ है ऐसी है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता था। लेकिन ऑल इन ऑल ये मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी सॉलिड पैकेज है, और एक ऐसा बंदा जो कि इस प्राइस टैग में एक प्रीमियम डिवाइस ढूंढ रहा है जो कि देखने में हुआवे के 1,80,000 वाले फ़ोन जैसी लगती है तो फिर आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि इंटरनल्स पे बहुत ज़ोर देता है, प्रोसेसर पे बहुत ज़ोर देता है, तो इससे कम प्राइस के अंदर भी आपको इसी तरह की स्पेसिफिकेशंस वाली डिवाइसेस देखने को मिल सकती हैं। अब आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर डेली पोस्ट होती रहती हैं, तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर फेस डाल दूंगा मैं अपना, उस पर आप क्लिक करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा या नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। उसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।